सबसे पहले जो पशुपालक भाई हमारे इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं उन सभी को संदीप स्वामी की तरफ से राम राम, नमस्कार, स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जो पशुपालक भाई आज हमारी वीडियो आपके अपने इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन घंटी के निशान के ऊपर जरूर से प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप भाइयों तक सबसे पहले पहुंच सके और आप एक अच्छे पशुधन का चुनाव कर सकें। तो दोस्तों, आज से दो दिन पहले मैंने अपने भैंसों की वीडियो बनाई थी, जो उसमें एक फर्स्ट टाइम जोटी थी, बिल्कुल ताज़ा ब्याई हुई थी, जिसका रेट डाला था 82,000 यानी कि 82,000 रुपये। तो उसे जोटी को देखकर पंजाब से सरदार आए जी नापा से, उनका भी आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा जी, उनका कैसा यहाँ पर आने के बाद में मेरे पास भी उन्होंने भैंसे देखी और अन्य और बाहर फील्ड में भी उनको मैंने भैंसे दिखाई थी जी। तो उनका भी एक्सपीरियंस आपको साझा करूंगा कि कैसा यहाँ पर माल आपको देखने को मिला। तो सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर विजिट करो। विजिट करने के बाद में जो वीडियो के अंदर चीज़ दिखाई जाती है, अगर वो चीज़ आपको नहीं पसंद आती तो बाहर, अगर जैसे मेरे पास भैंसे हैं, 4-5 भैंसे हैं, एनी टाइम रहती है, अगर उनमें भी नहीं पसंद आती तो बाहर फील्ड में भी आपको भैंस दिलाई जाएगी। और फील्ड में जो भैंस दिलाई जाएगी तो जो ब्याई हुई पशु है उनकी दोनों टाइम की पर डे की यानी कि टाइम टू टाइम मिल्किंग करवाकर दिलाई जाएगी जी। रहने सहने की पूरी व्यवस्था है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर विजिट करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं दो भैंसे सेल के लिए अवेलेबल लेकर आया हूँ। दोनों की क्वालिटी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ताज़ा ब्याई हुई है, प्योर मुर्रा ब्रीड के अंदर है। तो इन दोनों जोटियों की डिटेल से पहले जो पंजाब से सरदार जी आए हैं उनसे आपका एक्सपीरियंस शेयर करवाता हूँ जी। तो सभी भाई वीडियो को अंत तक पूरा देखें जी। सबसे पहले तो सत श्री अकाल जी। तो सरदार जी, आपने वीडियो देखी थी जी? जी हाँ जी, वीडियो देखी थी। वीडियो देखी थी, तो वीडियो में अपनी क्या बातचीत हुई जी? वीडियो देख के हमने आपको कॉल किया था जी। जी, तुमने बोला था हमारे पास भैंसे हैं जी, जी जो हमारे पास भी हैं और जी जी। किसी और जगह तो लेनी है जी, जी यहाँ से भी हम दवा देंगे। तो वीडियो में अपने जो फर्स्ट टाइम जोटी लगाई थी तो आपने बोला कि मेरे को ये लेनी है। बिल्कुल जी। तो मैंने आपको ये बोला कि सरदार जी आपको लेनी है तो आप यहाँ पर आ जाओ। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और आप यहाँ पर आयो? हाँ जी हाँ। तो आने के बाद में सबसे पहले तो आपका मोस्ट वेलकम है जी। थैंक यू। तो आप यहाँ पर आए हो तो जैसी वीडियो के अंदर आपको चीज दिखाई गई वैसी देखने को भी मिली जी? बिल्कुल जी, जो आपने बताया था जी जी, बिल्कुल उसी तरह की जोटी है जी जी, कोई ऐसी बात नहीं। जी हमने जी देखी जी जी, हमको पसंद आई तो हमने अपना चौके देखी। आने के बाद में आपने दूध भी निकाल के देखा? बिल्कुल, सब कुछ तसल्ली की, आपकी पूरी तसल्ली करवाई जी। बिल्कुल। तो जो भी पशुपालक भाई ऑनलाइन भैंसे लेते हैं, ऑनलाइन कोई भी भाई गाय लेता है, तो उन सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि ज्यादा ज्यादा विजिट करो। विजिट करोगे तो आपको एक अच्छा पशुधन देख पकड़ खरीद कर लेके जा सकते हो। तो सरदार जी, आपने दो भैंसे लेनी थी? हाँ जी, दो लेनी थी। एक तो आपने मेरे से ये फर्स्ट टाइम जोटी ली और एक आपको बाहर से दिलवाई? हाँ जी, दूसरी बार से, बाहर फील्ड में से घूम कर। हाँ जी हाँ। तो सबसे पहले जो भाई अपनी वीडियो देख रहे हैं उनको एड्रेस अपना बताएंगे। देखो जी, हमारा नाम है हरजिंदर सिंह जी, पिंड साडा बड़ैचा, तहसील अमलोह, जिला श्री फतेहगढ़ साहब है जी। हम कॉल करके इतने भाई साहब को आए थे, इतने मज देखी हमने, इतने पसंद होगी ले ली, और दूसरी मज दूसरे पिंड तो दवाई साइड तो जी जी जी, जो भी अच्छी सी सानू पसंद आई वो भाई ने। तो जैसे बाहर से आपको घुमाया है? हाँ जी। तो बाहर मैंने घुमा कर कितनी की भैंस दिखाई आपको? काफी ज्यादा भैंसे देखी है जी, लगभग आइडिया से लगभग मानो कि 400-500 भैंस। बिल्कुल, कई पिंडा जब काफी एरिया जाके आया, कुछ सौदा होता होता रह गया। हाँ जी हाँ। और कई सौदा होने के बाद में भी कई भाई बोल देते थे कि भाई साहब धार मार कर आप भैंस ले लो। हाँ जी हाँ। मैंने आपको ये बोला कि भाई साहब दो टाइम दूध निकाल हाँ के, क्योंकि पैसा देना है, कोई फाटा नोट नहीं देना, जो किसान को अपने फटा हुआ नोट देंगे तो वो वापस। तो आपको एक बिल्कुल ताजा ब्याई किसान से, सीधे किसान से भैंस दिलाई जी किसान। तो उसने क्या मोल मांगा था जी? उन्हें मोल 1,15,000। 1,15,000। तो आपने मेरे को क्या बोला, कितने रुपए के ले दो? हम कहते थे कि 90,000 की मिल जाए। 90 और 95 का आपने हाँ बोला? तो 90 और 95 उन्होंने हाँ मेरे को बोला था। तो इनको जोटी लेके दी है, फर्स्ट टाइम जोटी है। हाँ जी हाँ। जी मतलब क्या, हम तो 1,00,000 की भी लेने को प्यार। जी जी 1,00,000 जी जी। चलो जी, जो है ना वो तो सरदार जी, देखो मेरी बात, वो तो जो कस्टमर आता है, ग्राहक आता है, तो ग्राहक का जितना प्रॉफिट, जितना फायदा होगा उतना ही लंबा काम चलेगा।
तो इनको वो झोटी 200 लेके दी है 89,000 यानी कि 89,000 रुपए। हाँ जी हाँ। एक हम 90 की लेके दी है, एक हम 90 जी। तो आप बिल्कुल भाई साहब संतुष्ट हो? बिल्कुल। आपको पूरी तसल्ली करवाई क्या है? हमारा उसमें 21,000 का फायदा हुआ। जी जी। तो ये सरदार जी है जी, खुद लंबरदार जी है जी। सरदार जी अपना थोड़ा परिचय देना जी। हाँ, हमारा हमारा गांव है बिशनगढ़ जी, तहसील नाभा, जिला पटियाला, डाकखाना दंदराला। बिशनगढ़ उनका गांव का नाम है। हाँ, सही। तो सरदार जी आप बिल्कुल संतुष्ट हो? हाँ जी हाँ जी। हाँ, कोई भी भाई जैसे और भी वीडियो देख रहा है आपने पंजाब से, आपसे बीची झगड़ा हो रहा है, वो बोलता है हमारे से ले लो 10,000 15,000। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मिनट जी जी, हम हमारा कार्ड भी दिखा देते हैं तुम्हारा। नहीं वो तो कोई उसकी तो कोई इशू नहीं है जी। तो उनको मैं ये बता देता हूँ, जैसे सरदार जी बोल रहे हैं, ये भाई, ये सरदार जी अलग गांव से है और ये भाई साहब अलग गांव से, सही है ना भाई साहब? जी जी, ये अलग से है। तो इनको बाहर फील्ड में से घूमते घूमते इन भाई साहब का मुकद्दर था जी, किस्मत थी, किस्मत से मिली भाई साहब। जो सियाने कहते हैं कि दूध और पूत मुकद्दर से मिलता है, तो इनका भाई साहब का लगभग आपको आइडिया से, आप भी मानते हो जी 15,000 रुपए का फायदा हुआ है? बिल्कुल जी बिल्कुल। माइक दे दो। बिल्कुल जी बिल्कुल, 15,000-25,000 का बिल्कुल फायदा हुआ। और सीधे किसान से आपकी सुस्पष्ट सामने सौदा हुआ है जी? बिल्कुल सामने हुआ जी बिल्कुल, बिल्कुल। कोई लुको नहीं, कोई लपेटा नहीं जी जी, कोई साइड में नहीं। तो सरदार जी कोई भी जैसे अपने पंजाब से, हरियाणा से, अन्य स्टेट से अपनी वीडियो देख रहा है बाहर से, हाँ जी, तो अपने हमारे कामकाज के बारे में और यहाँ पर रहने सहने की व्यवस्था, आने के बाद में आपको क्या एक्सपीरियंस मिला, उसके बारे में किसान मित्रों को, पशुपालक भाइयों को क्या संदेश करना चाहोगे जी? देखो जी, एक तो पशु बिल्कुल साफ सुथरा है, चवाई च एक नंबर है, सनख बने च एक नंबर है, तो रहने की व्यवस्था जी इतने ए सी लग्या होया, नहाण धोण का पूरा प्रबंध है, तो रहने की कोई दिक्कत नहीं, खाना चाय नाश्ता सारा पूरा, कोई किसी भी बात की मुश्किल नहीं हैगी। मैं तो कहना भी जो भी वीर आते हैं संपर्क करके अपना तसली नाल चो के दो टाइम तीन टाइम चो के ले जान, तो एक नंबर डंगर है। तो दोस्तों एक बात मैं और भी क्लियर कर देता हूँ, जैसे हमारे फार्म पर अगर भैंस रहेगी तो उसकी दो टाइम निकालो, तीन टाइम निकालो, चार टाइम निकालो, उसमें कोई एतराज नहीं है। मैंने आज आपको यही बोला, अगर जो भी भैंस बाहर से परचेज करवाई जाएगी तो उसकी जैसे फर्स्ट टाइम, जैसे ये भैंस है पहले टाइम अपने इस भैंस का सौदा कर लिया तो उसको 150 रुपए सौदा साई का देगा। बिल्कुल बिल्कुल। शाम को अपने खाली कर ली, शाम को खाली करने के बाद में जितना उसने डिटेल बताई है, जिस डिटेल से अपने सौदा किया है, अगर उतनी डिटेल पर अगर वो सुबह भी जैसे उतना दूध निकाल देती है, बिल्कुल टाइम आगे वाला जो डिटेल से संतुष्ट है, चाहे ये सरदार जी भैंस ले रहे हैं ये संतुष्ट है, तो उसको पक्की साई दे दो। नहीं तो आपका 150 दिया हुआ वापिस ले लो। बाहर से जो भैंस दिलाई जाएगी उसकी दो टाइम मिल्किंग करवाई जाएगी। कोई भाई बोल देते हैं कि तीन टाइम करा दो, चार टाइम करा दो, वो एक मनगढ़ंत बात होती है जी। ऐसे ही बुलाने का अपने कोई चक्कर नहीं है, आने के बाद में बहुत से किसान मित्रों का टाइम बर्बाद होता है जी। अगर आप खुद यहाँ पर आते हो तो कम से कम 2-3 हजार रुपए का खर्चा होता है, सही ना? बिल्कुल। क्योंकि ऐसे ही अपने बुला ले, बुलाने के बाद में अगर आप किसान मित्र परेशान हो तो ऐसा कोई अपना कोई काम नहीं है जी। बिल्कुल जैसे भाई साहब ने बताया और मैं हर वीडियो के अंदर बताता भी हूँ जी, ज्यादा से ज्यादा किसान मित्र यहाँ पर विजिट करें, विजिट करने के बाद में आपको एक अच्छा पशुधन लेकर जा सकते हो जी। तो इनका भी एक्सपीरियंस मैंने आपको शेयर करवाया है, जो भी किसान मित्र यहाँ पर विजिट कर पशुधन खरीदने के लिए इच्छुक हैं तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मैं फिर से बता देता हूँ, 8320350790 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, स्क्रीन पर भी आपको मेंशन होगा। तो दोस्तों सबसे पहले एक नंबर पर फर्स्ट ब्यांत के अंदर यानी कि पहले लैक्टेशन के अंदर बिल्कुल ताज़ा ब्याई हुई झोटी आप भाइयों सामने है, बिल्कुल छोटे गोल्ड रिंग सींग की झोटी है। हाइट लेंथ भी दोस्तों देख सकते हैं फर्स्ट लैक्टेशन के हिसाब से काफ़ी शानदार है। मुंह से दो दांत है यानी कि इसकी एज है जो मात्र 27 से 28 महीने की उम्र है। और अडर क्वालिटी है वो देख सकते हैं, बहुत ही साफ सुथरी अडर क्वालिटी की है। चारों थनों के बीच में गैप भी देख सकते हैं, वो भी बहुत शानदार है। तो पहले ब्यांत के अंदर फर्स्ट लैक्टेशन में यानी कि आज इसको ब्याई को 4 दिन हो चुके हैं, मात्र 4 दिन की बिल्कुल ताज़ा ब्याई हुई है। और जो जेन्युइन दूध निकालने वाला है तो वो दोस्तों 10 लीटर अभी पर डे का दूध बिल्कुल तैयार है। कोई भी भाई यहाँ पर खुद उपस्थित होकर या फिर ऑनलाइन जो भाई परचेज करते हैं तो व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के माध्यम से दो टाइम मिल्किंग चेक कर सकते हैं जी।
पीछे मेल का आप कटड़ा है दोस्तों, वो भी आपको वीडियो के अंदर कवर करके दिखाएंगे। तो और अडर क्वालिटी एक बार फिर से दिखा देता हूँ, बिल्कुल साफ सुथरी अडर क्वालिटी की जोटी है। फर्स्ट ब्यांत के अंदर मात्र 4 दिन की ब्याई है, 10 लीटर कोई भाई, 2 टाइम इसकी, 3 टाइम खुद यहाँ पर फार्म पर उपस्थित होकर मिल्किंग चेक कर सकते हैं जी। तो दोस्तों जोटी की प्राइस की बात की जाए तो जोटी का प्राइस है 95,000 यानी कि 95,000 रुपये। 95,000 रुपये के अंदर 500 किलोमीटर दायरे के अंदर घर पहुंच जोटी का प्राइस है, यानी कि पंजाब हरियाणा दिल्ली यूपी राजस्थान के 500 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर 95,000 95,000 रुपये में घर पहुंच करा दी जाएगी। एक बार फिर से मैं इसकी डिटेल शेयर कर देता हूं। फर्स्ट ब्यांत के अंदर यानी कि फर्स्ट लैक्टेशन पहले ब्यांत के अंदर मुँह से 2 दांत है जी। ब्याई को 4 दिन हो चुके हैं, पीछे मेल का अब कटड़ा है। अडर क्वालिटी आप भाइयों सामने है, बिल्कुल साफ सुथरी अडर क्वालिटी की है। निकालने वाला दूध अभी 10 लीटर बिल्कुल तैयार है और इस जोटी की मिल्क कैपेसिटी की अपेक्षा की जाए तो 12 लीटर नॉर्मल 12 लीटर रहने वाली है जी। 12 लीटर की मिल्क कैपेसिटी की आप भाई अपेक्षा कर सकते हैं, प्लस भी जा सकती है जो भाई अच्छी केयर करने वाला हो। तो 12 लीटर इस जोटी की दूध क्षमता रहने वाली है। 95,000 रुपये 95,000 रुपये इसका प्राइस है। बच्चे पर ले जाओ भैया। तो दोस्तों बच्चा भी आपको वीडियो के अंदर कवर करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल ताज़ा ब्याई हुई है जोटी और बिल्कुल शांत स्वभाव में है। एक मिनट भैया रोक ला। तो अडर में भी हाथ घुमाकर आपको दिखा देता हूँ और करीब से आपको अडर क्वालिटी भी देख सकते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल शांत स्वभाव है, कोई चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं है, यानी कि कोई अग्रेसिव स्वभाव नहीं है। दूध निकालने में बिल्कुल पोली चुवाई की है जी, ये देख सकते हैं। चारों थनों की भी धार मार के दिखा देता हूँ। ये पिछले वाले थन की, दोनों की, इधर वाले दोनों थनों की धार देख सकते हैं। ये आगे वाले जिस साइड अपने भी दूध बैठ कर निकालते हैं उसका धार चेक कर सकते हैं, और ये पिछले वाले की, यानी कि बिल्कुल नरम चुवाई की जोटी है। भैया एक बार आप मार दो जी दोनों हाथों से, आगे वाले दोनों की, पिछले दोनों की। और बच्चा ये मेल का आप कटड़ा है जी, आप भाइयों सामने है जी। ये दोनों आगे वाले थनों की धार देख सकते हैं, अब पिछलों की मार दो जी। और ये पिछले वाले थनों की भी धार देख सकते हैं, छोड़ दो। बिल्कुल नरम चवाई की जोटी है, बिल्कुल साफ सुथरी है, यानी कि दूध निकालने में कई भाई सोच लेते हैं कि फर्स्ट ब्यांत के अंदर है, कहीं मतलब लात ना मारती हो, बांध दो रोक दो अपनी, मतलब दूध निकालने में परेशानी ना करती हो, वैसा कोई भी स्वभाव नहीं है, बिल्कुल शांत स्वभाव है। बाकी आप यहाँ पर विजिट करके भी देख सकते हैं, 2 टाइम 3 टाइम जैसे कस्टमर की संतुष्टि हो, मिल्किंग भी चेक कर लेके जा सकते हैं। ऑनलाइन कोई भाई लेता है तो व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के माध्यम से भी मिल्किंग चेक कर सकता है। तो पूरी डिटेल आप भाइयों को शेयर की गई है। इससे आगे दोस्तों दूसरे नंबर पर ये जोटी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, ये भी बिल्कुल गोल्ड रिंग सिंह की है, छोटा सा सींग, बिल्कुल पतला फेस, लंबी गर्दन और जोटी की हाइट लेंथ पीठ पुठा देख सकते हैं। चलाना भैया, हाइट लेंथ पीठ पुठा देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। यह भी बिल्कुल ताज़ा ब्याई हुई है, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप भाइयों सामने है, जोटी भी खुद अपने आप में कह रही है कि मैं क्या चीज़ हूँ। आप भाइयों सामने है, देख सकते हैं पूरी जेड ब्लैक है, प्योर मुर्रा ब्रीड के अंदर है, यानी कि आज की वीडियो में 2 मुर्रा के नगीने आपको दिखाए हैं, एक फर्स्ट टाइमर, एक सेकंड ब्यांत के अंदर। तो ये जोटी दूसरे ब्यांत के अंदर बिल्कुल ताज़ा ब्याई हुई है, इसको ब्याई को आज 7 दिन हो चुके हैं, यानी कि 7 दिन की ब्याई हुई है। पीछे इसके लोटरी है दोस्तों, फीमेल काप कटड़ी है, पीछे इसके कटड़ी है, और अभी 7 दिनों के अंदर निकालने वाला दूध 14 लीटर बिल्कुल तैयार है। कोई भी भाई उपस्थित होकर 2 टाइम 3 टाइम मिल्किंग अपनी संतुष्टि कर लेके जा सकता है जी, चेक कर। और अडर क्वालिटी है वो देख सकते हैं, आगे पीछे का पूरा अडर है, और अडर क्वालिटी, थनों के बीच में गैप देख सकते हैं, मुट्ठी वाला आंचल, दूर दूर स्पेस वाला है, बिल्कुल साफ सुथरी अडर क्वालिटी की जोटी है। और फेस देख सकते हैं, सिंगों की बनावट देख सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है दोस्तों। बच्चे पर ले जाओ बच्चे पर ले जाओ, बच्चे के लिए कर रही है, ले जाओ आप। आगे पीछे का पूरा अडर है, हाइट लेंथ है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, पीठ पुठा देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। और पीछे फीमेल का आप कटड़ी है, 7 दिन की ब्याई हुई है, 7 दिन की ब्याई के नीचे 14 लीटर पर डे का दूध बिल्कुल तैयार है।
आप निकाल कर चेक कर कर लेके जा सकते हो बांध। और इस जोटी की मिलक कैपेसिटी की बात की जाए तो 16 लीटर प्लस इसकी मिलक कैपेसिटी रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि जैसे जोटी छटा वगैरह करेगी तो 16 लीटर प्लस इसकी दूध क्षमता रहने वाली है। 16 लीटर से नीचे इस जोटी की कोई भाई उम्मीद भी करता है तो वो भी मेरे हिसाब से बेकार होगा, क्योंकि इतनी अच्छी जोटी देख सकते हैं आप भाइयों सामने है। और इस जोटी की प्राइस की बात की जाए तो दोस्तों 1.25 लाख रुपए, 1,25,000 रुपये इसका प्राइस है, इसका भी घर पहुंच प्राइस है। बाकी आप स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं, जो भाई लेने का इच्छुक हो उनका मान सम्मान भी किया जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों ये जो जोटियां सेल के लिए अवेलेबल दिखाई आपको, दोनों की प्रॉपर पूरी जानकारी भी दी है। कोई भी भाई इनके अलावा और भी भैंसें लेने का इच्छुक हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, बार फील्ड में घूमकर आपको और भी भैंसें दिलवाई जाएगी। प्राइज होता है जो भैंस की कंडीशन के ऊपर होता है दोस्तों, जैसा पशुधन आगे अपने दिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है। यानी कि 14 लीटर की ये भैंस 1.25 लाख की भी मिलती है, 1.5 की भी मिलती है, 1 लाख की भी मिलती है, कई बार 70-80 की भी मिल जाती है। वो भैंस की कंडीशन और क्वालिटी पर डिपेंड करती है। कई भाई फ़ोन भी करते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में मेरे पास फ़ोन आए थे कि भैया 8-10 लीटर की भैंस कितने की मिल जाएगी, तो 8-10 लीटर की भैया 70 की भी मिलती है, 1 लाख की भी मिलती है। वो भैंस की कंडीशन क्वालिटी पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में दिखाई गई भैंसें कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।